ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। अरे ये क्या था, आशिक को पढ़ा रहा है क्या? जेके एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये गाना याद है क्या? ऑफ कोर्स बे, वो मल्टी स्टारर मूवी जिनमें सलमान भाई को एकदम सीधा साधा बनाया बताया था। हम साथ साथ है यार, कैसे वियर्ड लिरिक्स है यार, लाइक मतलब कितने कम पैसे मिले होंगे इनको ये लिखने में, इतना इजी सॉन्ग। सिंधी को पहला पैसा दिखता है। तुम लोगों को सिर्फ लिरिक्स अजीब लगी, उससे भी एक वियर्ड चीज है उसमें, तुमने नोट किया होगा कि नहीं मेरे को पता नहीं, लेकिन मालूम है सबके सब सारे एक्ट्रेस, ऑल ऑफ द एक्ट्रेस इन द मूवी बस में जा रहे, ठीक है, गाना वाना गा रहे, एकदम खुश है, रामपुर जा रहे, ठीक है। एक चीज तुमने नोटिस की, क्या गाड़ी सलमान भाई चला रहे थे। मतलब गाड़ी टू वो सादी गाड़ी में लोचा मारते थे, ये तो बस लेके आ गए। उस दिन क्या हुआ था, सूरज बड़जात्या सर ने वो रोड सब ब्लॉक कर दिया था। वो रोड पे सिर्फ बस ही थी और कुछ नहीं था। और फुटपाथ भी क्लीन करा दिए थे। वेलकम टू द सेवेंथ एपिसोड ऑफ द सिंको एलिमेंटोस पॉडकास्ट, एंड टुडे वी विल बी डिस्कसिंग द वियर्ड सॉन्ग्स ऑफ बॉलीवुड। बट बिफोर वी बिगिन, इफ यू डोंट वांट टू गेट हिट बाय सैमलॉन वॉइस बस, then please like, share, subscribe our videos. All right, Ajay, which song do we have next? अच्छा, तुम लोग को वो वाला गाना याद है, झांझरिया उसकी चनक गई, चुनरी भी सर से सरक गई। अरे वो गाना ना खतरनाक है, उसमें बाकी सब तो मैं समझा के भी चलो झाड़ू पोछा लगा रही होगी तो झांझरिया खनक भी गई, चुनरी सरक भी गई, पर वो ऐसे कैसे नजर से देख रहा था कि उसकी शर्मा की नजर झुक गई। रणजीत पापा रणजीत थे क्या? क्या क्या बोलेंगे, सॉरी क्या बोलेंगे? हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है, सीमा होती है। मेरे पास भी एक गाना है, साध्या का टाइटल होगा, उसमें कवि ने कहा मध्यम मध्यम तेरी गीली हंसी। ये गीली हंसी क्या होती है यार, मतलब इतना हंसो कि हर जगह से पानी निकल जाए, ऐसे वो गीली हंसी। ब्लैडर कंट्रोल नहीं कर पा रहा होगा। उसमें कैसा है, उसमें था कवि नेक्स्ट लाइन में हंसी सुनता भी है, हंसी पीता भी है, मतलब कुछ भी। उसके बाद ये वाला गाना सुना है अपने केतरी जी का, सूरज हुआ मध्यम, वो सुना है? हाँ, अच्छा है, रोमांटिक गाना है, इसमें क्या वियर्ड है। सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा। सी, एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ इज गोइंग टू राइज, रिजल्टिंग इनटू एक्सट्रीम हीट कंडीशंस। अगली लाइन बोल दो अजय। आसमां ये हाय क्यों पिघलने लगा। Frequency of cloud bursts will increase, resulting into flooded cities and towns, as seen in Ahmedabad, Bangalore, and Gurugram recently. Recurring earthquakes and following tremors will shatter the concrete jungles. Example: Japan. धड़का ये दिल सांस थमने लगी. Depleting oxygen levels will make it hard for people to even breathe. Example, Corona Wave 2. We had our own version of Simpson, man, with Dharma Production, man. Well, futuristic song, Kethri ji. Oh, Kethri ji is now holy. Bas karo, seriously. वैसे भी nepotism के चक्कर में उसके पीछे पड़े करण जोहर के। अब ग्लोबल वार्मिंग आएगा तो उसको भी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल बनाएंगे और उसके पीछे पड़ जाएंगे, रहने दो बेचारे को, छोड़ दो।
और फिर अर्नब और उसके रिपोर्टर आ जाएंगे और सीधा न्यूज में दिखाएंगे कि भाई देखिए मैं अभी करण के घर के बाहर खड़ा हूँ, वही करण जिसने सिर्फ स्टार्स किड्स को नहीं पर ग्लोबल वार्मिंग को भी लॉन्च किया था। और उसके बाद में ना करीना भी आएगी और बोलेगी देखो भाई लोग तुमको अगर इतनी प्रॉब्लम है ना इस प्लेनेट से तो कहीं दूसरे प्लेनेट पे चले जाओ। और इस बार मैं कुछ नहीं बोलूंगा, समझ लो कुछ नहीं बोलूंगा, आमिर कुछ नहीं बोलेगा। चलो चलो आगे बढ़ते एक गाना ऐसा है जो मुझे लगता है कि लिखने वाले ने ऑनेस्टली लिखा है। कौन सा? तो घूट मुझे भी पिला दे शराबी देख फिर होता है क्या। ये गाना बाबा ने बजाया था रात को, बोला संजू बाबा और सलमान भाई दो मिनट में गाड़ी लेके पहुंच गए, मतलब मेरा पैग भी बना ऐसे करके। पर गाड़ी तो ड्राइवर ही चला रहा था गाड़ी तो ड्राइवर ही अबे चला रहा गाड़ी था। कोई नहीं चला रहा था, वो टेस्ला थी, टेस्ला ऑटो ड्राइव। पर टेस्ला तो बनी थी, टेस्ला नहीं बनी थी। अब वो भाई को बाद में रियलाइज हुआ कि टेस्ला भाई लेट हो गया रियलाइज करने में। स्पेशल एडिशन नॉट जस्ट एनी एडिशन। फुटपाथ पे भी चलेगी, टेस्टिमोनी एडिशन। सिर्फ रोड में नहीं फुटपाथ पे भी चलेगी। फुटपाथ पे भी चलेगी। मैं एक गाना देता हूँ। कौन सा? मैं लैला लैला चिल्लाऊंगा कुर्ता फाड़ के। मतलब चिल्ला कुर्ता क्यों फाड़ना है? That is also scientific song. Hold on, let me explain. So see, kurta phadne se kya hota hai? Direct air pressure aayega. So that will give you more pump into getting voice out in a louder notch. So I think it makes sense, Atit. Everything is definitely different. No, I have one song. I still did not understand what it was. Jab tak rahega samosa mein aloo, tab tak rahegi tu meri shaan. I mean, seriously, is comparing Juhi Chawla with samosa. And that to the stuffing of the samosa, not even samosa. Abhi that was... Samosa to nahi gayi na. Tab kya hua tha? Abhi dal ke... अहमदाबाद के या एग्जैक्टली कवि ने अहमदाबाद के नवताड़ के समोसे खाए नहीं थे। बोलने वाला था कि अभी चेंज हो गया, अभी आलू फिलिंग है नहीं। That's why they are not together. but that is still okay. So I was watching this movie, the legendary movie Hera Phiri. Okay. This is what happens, ये कब होता है मालूम है? When you give a songwriter who is an intern and you give half of the money to him, that's where he writes this sort of lyrics. सारे सॉन्ग ऐसे हेरा फेरी के सारे सॉन्ग सुन लो। एक कौन सा है वो फर्स्ट पार्ट में बहुत देने वाला जब भी देता छप्पड़ फाड़ के। लोके का फेवरेट सॉन्ग, लोके का फेवरेट है वो तो। लेकिन उसमें बात की लाइन है ना, वो देखो दिन दिन दिखना दिन दिन दिखना 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 वो बाबूराव। इट वाज नॉट हिज फॉल्ट। अक्षय कुमार ने बोला काम करते ये लाइन मैं ही गा लेता हूँ, इसके पैसे काट के 20% मेरे पे डाल देना। पर ये पता है 90s के जितने भी वो वियर्ड सॉन्ग्स थे उसमें एक चीज कॉमन थी, क्या? गोविंदा। ही वाज अ सुपरस्टार। व्हाट इज मोबाइल नंबर, व्हाट इज योर स्टाइल नंबर। वो यहाँ पे पेंट पहन के गाना है ना, डांस करना। फिर एक दीवाल पेंट पहनना।
एक देवांग पटेल के गाने में भी गोविंदा था ये. देवांग पटेल का गुजराती था, दे जस्ट हिंदी फाइट इट. मतलब वो वियर्ड वियर्ड लिरिक्स की स्ट्रीक थी पता है. फिर तो रस्ते से जा रहा था तो मैं तो भेलपुरी खा रहा था. मतलब वो लिरिक राइटर ने कल जो जो किया वो पूरा लिख दिया कि लो भाई इसका गाना बना दो. वो कंपोजर यार निकला घर से. गोविंदा के खाली गानों की बात कर रहे हो तुम. वो उसके तो डायलॉग्स भी ऐसे थे. बबड़िया दादा बबड़िया बबड़िया भाई कुछ भी बोले. वो बंगाली शादी में गए हो ना. अरे एक और सॉन्ग है वो सुना है. मेरे बाप की बेटी मेरे को भाई बोलती, मेरे बाप की बीवी मेरे को बेटा बोलती. खतरनाक सॉन्ग है भाई. सीरियसली सलमान भाई, सलमान भाई जीरो क्रिएटिविटी, जीरो क्रिएटिविटी, जीरो क्रिएटिविटी. कुछ भी बोल बाबा का कुछ भी. जो पहले होता था पहले की मूवीज में, पहले की मूवीज में when they copy the music from South Indian movies to Hindi, they just convert like translate it literally and put any word that fits. So they don't do a separate lyrics in the same music. So they used to put any song, like Sathiya ka song is the same example. They just put any word that fits in. वो स्कूल में पता है, वो स्कूल में पता है वो देते थे कि भाई ऐसे लिखना है and it has to be 150 words के पे 250 word ऐसा कुछ होना चाहिए. तो फिर ऐसे गाने काम में लगते हैं. यू जस्ट ऐसे लेके घुमा के ले जाओ, ऐसे घुमा के ले जाओ, खाली वर्ड बनने चाहिए. वो काउबॉय छेड़े मुझे, प्लेबॉय प्लेबॉय देखे मुझे, क्या वो कुछ भी मतलब मिक्स मेरे मन में हुआ. म्यूजिक यूज्ड टू बी एट अनदर लेवल एंड लिरिक्स यूज्ड टू बी ओह माय गॉड. म्यूजिक क्लास एंड लिरिक्स क्रास. उसके एंड में क्रेडिट सॉन्ग आता है पो 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 पो. ठीक है, दिस इज द सॉन्ग. ओमेन गाना आता है. ओ मैन दैट इज एंड दे हैव अ बैड स्टेप फॉर दैट. दे हैव अ वेरी बैड स्टेप फॉर दैट. हां, गाने की बात हो ना तो इंडियन वर्जन में, गाने की बात हो ना तो इंडियन वर्जन में अपन ने रैप चालू किया हो तो अनु मलिक ने. मैं मिला, अरे उसका तू मिला, तू मिली, तू मिली, तू मिला. Why me? That was rap. अनु मलिक एंड बाबा सेगल. These people brought rap in India. एक लास्ट एक सॉन्ग मेरी तरफ से. वो गाना सुना है, मुझे अपनी बना ले कॉलर ट्यून. सैफ अली खान एक्सेप्टेड. आई डोंट नो व्हाई डिड आई एक्सेप्ट दिस मूवी. इतना घटिया मूवी. कुछ चीजें जीवन में ऐसी होती है कि तुमको भूल जानी चाहिए लेकिन फिर लोके जैसे लोग आते हैं जो तुम्हें याद दिला देते हैं. जैसे एक मूवी बनी थी, ऐसा एक गाना लिखा था. तो अभी अभी वो देखेंगे अपना वीडियो तो उनको भी याद आएगा ना. सारे गाने सारे YouTube पे जाएंगे. वाओ वाओ, हमने भी ये गलती की. वाओ मैंने पता नहीं ये पीछे क्यों की. वाओ बेबू 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 बेबू. बेबू बोलेगी तुम्हें अगर तकलीफ होती है इन गानों से तो मत देखो. एक और गाना याद आ रहा है, उसमें अपना ये रणवीर बोलता है कि पान में पुदीना देखा, नाक में नाक का नगीना देखा. वो वाला याद है. पान में कौन पुदीना डालता है? पान में कौन सा पुदीना डाला? अबे तू पुदीने के पीछे पड़ा है, वो नगीना नहीं दिखा जो तेरे ना उसके नाक. Man, how did this lyricist get away with such nonsense lyrics? Because that's all. Yeah.
Thank you everyone for watching our this episode, and if you have some funny lyrics, please tell us in the comment section of this video, and we'll make the part 2. Thank you everyone, please like, comment, subscribe as always.